हेलो दोस्तों, जावल भाई के में आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। हेलो दोस्तों, मैं राहुल, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जाहुल बाइक केयर। दोस्तों R15 वर्जन 4 आई है हमारे पास। हम बिना व्हील खोले इनके डिस्पैट हम आसानी से बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है हमारी गाड़ी के डिस्पैट ख़राब हो गए हैं, आप चेंज करना चाहते हो, तो भाई सिर्फ 5 की हैंडल की चाहिए और 12 की टी गोटू हैंडल चाहिए। आप खुद से भी डिस्पैट चेंज कर सकते हो। दोस्तों वीडियो को बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। भाई दोस्तों हमारी जो वर्कशॉप है दिल्ली NCR पुल बैलापुर बदरपुर में है। दोस्तों अगर आपकी बाइक कहीं बंद हो जाती है तो भाई हमारे यूट्यूब पे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमें फ़ोन कर सकते हो, हम पूरी हेल्प करेंगे भाई फ़ोन पे जितनी हेल्प होगी। कभी वक्त क्या होता है दोस्तों, फ्यूज़ ख़राब हो जाता है बैटरी से, तो फ्यूज़ किस तरह चेंज कर सकते हैं किसी किसी को नहीं पता, तो भाई बेधड़क होकर आप कॉल करो, हम पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू दोस्तों। हमारे पास आई है R15 वर्जन 4। दोस्तों इसमें हम डिस्पैट चेंज करेंगे, डिस्पैट पूरे ख़राब हो गए हैं इसके। हेलो, उसके लिए हमें ये दोनों 5 नंबर की एल के बोल्ट है ये खुलेंगे फटाफट से और इसके हम डिस्पैटों को चेंज करेंगे। दोस्तों अगर हम इसके रियर डिस्पैट की बात करें, 995 रुपये के रियर डिस्पैट है भाई, काफ़ी महंगे हैं लेकिन कोई नहीं, बट जेन्युइन है। इससे देखो जेन्युइन डालने से हमारे क्या फ़ायदे हैं, जो हमारी जो डिस्प्ले टूटती है, देखो इस पर स्क्रैच पड़ जाते हैं ना, तो ये नहीं पड़ेंगे। जेन्युइन डालने से ही फ़ायदा है, लेकिन थोड़े महंगे हैं। और आगे के डिस्पैटों की बात करें तो दोस्तों ये 435 रुपये के, मतलब कोई डबल का अंतर है भाई। ये फ्रंट डिस्पैट है, ये रियर डिस्पैट है। और फ्रंट डिस्क कैलिपर हमने बाहर निकाल लिया है, इसके दोनों लोक निकालेंगे और इनको फटाफट से चेंज करेंगे और इनको लूप करेंगे थोड़ा। जो हमारी कैम है वो फ्री रहनी चाहिए और जो इसके पंप हैं उन वो भी फ्री रहने चाहिए। डिस्क कैम को हम बाहर निकालेंगे, कैलिपर को, इसका फ्री रहना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों ये दोनों पिस्टन है इसके, जो हम ब्रेक लीवर दबाते हैं ये पुश करते हैं और हमारा जो डिस्क है वो काम करेगा फिर, और फिर बैक जब हम ब्रेक को वापस करेंगे तो ये अंदर चले जाते हैं। ठीक है, फटाफट से इसको फिटिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों जेन्युइन की पहचान, बिल्कुल पार्ट नंबर वगैरह सब कुछ दे रखा है भाई, और काफ़ी बेहद अच्छे डिस्पैच। इससे क्या है हमारी प्लेट ख़राब नहीं हुई, अब इसको फटाफट से हम फिटिंग करते हैं और फिर एक बार टेस्ट ड्राइव भी करेंगे, ताकि हमारे देखेंगे हम ब्रेक अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, व्हील हमारा जाम तो नहीं है। डिस्पैट चेक करने के बाद ये चीज़ चेक कर लिया करो भाई। और जो हमारी कैम है, कैम का फ्री रहना बहुत ज़रूरी है, जब हम ब्रेक मारते हैं इसका बहुत अहम रोल होता है। इसको फटाफट से अब हम फिटिंग करते हैं। ये देखिए दोस्तों 995 रुपये की डिस्पैट, और ये 2 महीने भी नहीं चलेंगे भाई। ये देखो कुछ इस तरह से होते हैं भाई, इनका जो लेदर है ना पीछे के डिस्प्रेक इसलिए ख़राब हो जाते हैं, डिस्क ब्रेक पैड, क्योंकि हमारा जो पैर है ना वो हमेशा पैंडल पर रहता है, तो व्हील हमारा चिपक के चलता है इस कारण। और इसका जो है दोस्तों पिस्टन अंदर करना होगा, हमें थोड़ा थोड़ा रहेगा पिस्टन अंदर करके फिर हम फटाफट से इसको फिटिंग करेंगे। और फिटिंग करते समय ध्यान दें भाई, या तो इस पर जैक लगा लो या स्टैंड लगा लो, ब्रेक चेक कर लो और व्हील जाम ना हो ये भी चेक कर लेना। व्हील घुमा के बिना व्हील खोले ही दोस्तों डिस्पैट हम डाल सकते हैं आसानी से। ये देखिए दोस्तों ब्रेक मारिए, बस छोड़ो ब्रेक, 2-4 बार मारो, व्हील फ्री रहना चाहिए हमारा, देखो ठीक है, बिल्कुल फ्री घूम रहा। ठीक है ये दोस्तों पीछे का व्हील भी फ्री है। ठीक है, अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ऐसी जानकारी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।